तो हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मैं हूं अभी फिलहाल यहां पे गुदरा बाईपास में, और जो है यहां पर हमारी गाड़ी में एक आ गई है एक और नई फिर से दिक्कत। तो आप लोग यहां पे देख सकते हो कि हमारी गाड़ी का जो है बोनट खुला है, और जो है गाड़ी जलते जलते बच गई है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर पार्ट काफ़ी डेंजरस हो चुका है, बैटरी आदि मतलब थोड़ा बहुत ये जल भी चुका है, और जो है काफ़ी इतने दूर तक जो है हीटिंग आ रही है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो क्लियरली, और जो है शायद मैं ये ना देखता तो आज जो हमारी गाड़ी जल जाती, क्योंकि न जाने क्यों जा रही। एक साल में इतनी बैटरी की दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि हमने इको और जो है ये गाड़ी आसपास में ही ली थी, एक मंथ का जो है गैप था। फिर भी जो है इसमें बैटरी न जाने क्यों, ऐसा कोई भी मेरी गाड़ी में जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट नहीं लगा जिससे कि बैटरी गाड़ी की ज़्यादा ड्रेन हो। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो धुआं निकल रहा है। गाड़ी की एसी चालू करता था तो कुछ अजीब सी मतलब एक महक आती थी, मतलब ऐसे जो वॉमिटिंग आ जाए ऐसी। बट मैं सुबह में गाड़ी का बोनट खुला था तो यहाँ पे चूहा था, तो मैंने ये सोचा कि शायद से चूहा इंजन की ये वाले इंजन की हीट वर्क की वजह से जो है चूहा जल गया होगा तो उसकी स्मेल आ रही होगी। बट ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक ये पार्ट देख सकते हो, ये पूरा बैटरी का जल चुका है, और जो इतने दूर तक जो है बाफ आ रही है बैटरी की। और जो है एक मेरा फ्रेंड है यहाँ पे, तो वो जो है इसके टूल लेकर आ रहा है, तो यहाँ से हम टर्मिनल को खोल देंगे जिसकी वजह से जो है बैटरी का ब्लास्ट वगैरह ना हो, और जो हमारी गाड़ी सीएनजी है तो उसमें जो है दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसीलिए मैं थोड़ा बहुत जो घबरा गया हूँ। अगर ये मैं बोनट खोल के ना देखता, अगर ये मुझे सीधा ही मैं घर को निकल जाता तो शायद रास्ते में गाड़ी हमारी जल जाती। तो मैंने ये सोचा कि चलो एक बार देख लेता हूँ कि आखिरकार क्या है, मतलब कहाँ से स्मेल आ रही है, तो मैंने देखना उचित समझा। इसी वजह से जो है आज हमारी गाड़ी भी बच गई और मेरी जान भी बच गई। आपकी गाड़ी की बैटरी डाउन होती है तो आप जो है चेंज करवा लो फटाफट, यानी कि आपको ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। बैटरी को खोलते हैं, जैसे ही वो भाई आता है बैटरी को खोल देंगे, ये वाला क्लेम को खोल देंगे, और जो सीधे बैटरी को नया ले लेंगे, क्योंकि ये लफड़ा नहीं चाहिए यार, क्योंकि आज हमारी गाड़ी जल भी सकती थी और जो है मैं भी मर सकता था साथ में। हमारी गाड़ी का इग्निशन वगैरह सारा कुछ जो है ऑफ है, अगर ऑन रहता ज़्यादा देर तक, अगर सिर्फ 5 मिनट भी ऑन रहता तो हमारी गाड़ी जो है जल जाती। सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है बैटरी फटने की लगती है, अगर कुछ भी होता है तो आपका नहीं, मैं सोच भी नहीं सकता। फिर भी हमारी जो है गाड़ी बच गई है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको एक बात जो है कहना चाहूँगा कि जो है हमेशा गाड़ी में ऐसे अगर कुछ भी ऐसी उल्टी सीधी आवाज़ आ रही हो या कुछ भी बदबू आ रही है तो जो है गाड़ी को तुरंत चेक करें। अब आगे देखते हैं कि बैटरी हमको कितने की पड़ती है, और सारा कुछ जो है मैं आपको शेयर कर दूंगा। आरबी कार्स में अब बात करते हैं कि वारंटी वगैरह का क्या सीन है, वारंटी का वो हम जो है कॉल पर बात करते हैं, जो भी होता है मैं आप लोगों के साथ जो है शेयर करता हूँ। तो हमने जो है वारंटी के लिए आरबी कार्स में बात कर ली है, यानी कि शोरूम पे जो है कॉल कर लिया है हमने, तो ये हमको जानने मिला है कि बैटरी की जो है वारंटी जो है अपनी 2 साल या फिर 40,000 किलोमीटर रहती है। तो हमारी गाड़ी जो है ऑलमोस्ट 42,000 किलोमीटर जो है कंप्लीट होने वाला है, यानी कि ऑलमोस्ट 42,000 किलोमीटर होने वाले हैं। तो इसी वजह से जो है ये तो अपना संभव है नहीं, इसी वजह से जो है हमको करना पड़ेगा खर्चा, यानी कि बैटरी नई ही डलवानी पड़ेगी। लोग यहाँ पे देख सकते हो हमने जो है बैटरी के दोनों टर्मिनल खोल दिए हैं। अब जो है टेंशन वाली कोई भी बात नहीं है, अगर बैटरी फटती भी है तो भी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हमारा यहाँ से सप्लाई जो है कट ऑफ होता है, जैसे कि मारुति सुजुकी की सीएनजी कार्स में होता है, जैसे चाबी ऑफ करो तो पीछे से जो सप्लाई कट हो जाता है, वही कंडीशन है यहाँ पे। हमारा जो है टर्मिनल बिल्कुल हमने जो है अलग कर दी है, और जो है बैटरी इतनी ज़्यादा गर्म है कि मैं यहाँ पे टच भी नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा गर्म है। सोचो किसी अनजान स्थल पे होता मैं यहाँ से, अभी तो फिलहाल मैं गोधरा में हूँ इसीलिए कोई दिक्कत नहीं, अगर किसी आउट ऑफ स्टेट होता या फिर अभी मैं 1 महीने पहले ही राजस्थान जाकर आया, उसी समय पे जो है ये प्रॉब्लम होता तो शायद से मैं मर जाता यार, क्योंकि पता ही नहीं चलता यार। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमने क्लेम वगैरह सारा कुछ जो है खोल के बैटरी को हटा लिया है, और जो ये है जो बैटरी में से एसिड निकला है वो यहाँ पर है, आप लोग देख सकते हो। और जो बैटरी की कंडीशन मैं आपको दिखाता हूँ, हमने जो है ये वाले जो है दोनों अपने जो ऊपर के ढक्कन खोल लिए, जो है बैटरी बिल्कुल भी मिट्टी हो चुकी है, आप लोग देख सकते हो उसमें जो है बिल्कुल भी पानी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाला गर्म है ये बैटरी अभी फिलहाल। और जो बैटरी जो है यहाँ से थोड़ी बहुत जो फूल गई है, और जो है एमरॉन की है बैटरी, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। और जो है यार सच में बहुत ही ज़्यादा गर्म थी बैटरी, ये वाला सारा कुछ जो है बहुत ही ज़्यादा गर्म है, आप लोग देख सकते हो। और जो भी एसिड निकला है वो यहाँ पे है, आप लोग देख सकते हो। दोस्तों अभी फिलहाल हमने एक जुगाड़बाजी लगाई है, हमने जो है बैटरी में जो है इतना चार्ज था कि गाड़ी सेल्फ ले रही थी, तो जो हमने क्या किया है कि यहाँ पर जो है टर्मिनल को दोनों फिर से टच करके जो गाड़ी को चालू कर लिया, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। अभी फ़िलहाल हमारी गाड़ी चालू है, तो जो है अब जो है मैं सीधे बैटरी के शॉप पे चला जाता हूँ, क्योंकि जो है किसी को मैं हैरान परेशान करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि फिलहाल गाड़ी हमारी चालू है तो इसमें कोई भी दिक्कत, अब जब मैं बंद नहीं करूँगा तब तक जो है कोई दिक्कत नहीं आएगी,
और जो है ऐसे मैंने प्लास्टिक का कपड़ा मैंने बांध दिया है गाड़ी के किसी भी पार्ट में जो अपना प्लस वाला टर्मिनल जो है टच ना हो, इसी वजह से जो है मैंने यहाँ पे प्लास्टिक बांध ली है। तो अब जो है कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, अब जो है गाड़ी में डायनेमो से पावर आएगा नहीं और जो है बैटरी अपनी उबलेगी नहीं, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। अब हम सीधे चलते हैं बैटरी की शॉप पे। अभी फिलहाल जा रहा हूँ बैटरी वाले की शॉप पे और जो है ये हो रहा है गाड़ी में, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, क्योंकि हमने जो बैटरी के टर्मिनल जो है खुले कर दिए हैं, यानी कि अभी फिलहाल हमारी गाड़ी जो है बैटरी के साथ अपना कनेक्शन नहीं है। मैं आपको एक डिसएडवांटेज बताना चाहता हूँ कि जो है अभी गाड़ी जो है बहुत ज़्यादा मतलब पिकअप छोड़ रही है, ऐसे झटके मार रही है, जैसे सुपर कैरी में प्रॉब्लम आई थी ना वाल की, ऐसी ही इस गाड़ी में भी प्रॉब्लम मतलब ऐसा फील हो रहा है, जैसे बैटरी डालूंगा तो वैसे कंप्लीट हो जाएगी। इसकी लाइट भी आ रखी है, आप लोग देख सकते हो, हैंड ब्रेक उतरी हुई है फिर भी जो हैंड ब्रेक की लाइट आ रखी है, आप लोग देख सकते हो, अभी चली गई है फिर से आ जाएगी। तो अपना कोई भी दिक्कत नहीं है, सिर्फ 2-3 किलोमीटर है अपनी शॉप बैटरी की, तो वहां से सीधा बैटरी डलवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गाड़ी को फिलहाल मैं चला रहा हूँ पेट्रोल में, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि जो है बैटरी के टर्मिनल हमने निकाल के रखे हैं, तो मतलब सीएनजी में कुछ भी दिक्कत आ सकती है, यानी कि सीएनजी के ईसीएम में भी दिक्कत आ सकती है। हमारी गाड़ी में जो है बैटरी के कनेक्शन फिलहाल नहीं लगे हुए है इसी वजह से, तो मैं एक दिक्कत तो आ रखी है ऑलरेडी, तो मैं कोई दूसरी दिक्कत नहीं चाहता हूँ, इसी वजह से मैंने जो है पेट्रोल पे अपनी गाड़ी कर ली है। यहाँ पर देख सकते हो आर के बैटरी यहाँ पे लिखा है, ये बैटरी की शॉप आ गई है। तो दोस्तों मैं हूँ अभी फिलहाल आर के बैटरीज गुजरा में, ये बिल्कुल मुल्लाइट के पास पड़ता है। हमने फिलहाल ये बैटरी ली है, ये है एक्साइड की, उसके जो एम्पियर है 38 एम्पियर। उसके बाद जो है बड़ी आती है एमरोन की, ये बैटरी जो है अपने को मतलब 42 एम्पियर की पड़ती है, ये ऑलमोस्ट 4200 की पड़ती है, और ये जो है 3800 की पड़ती है, और जो है जो गाड़ी में से स्टॉक निकली है वो जो है 35 एम्पियर की। हमारी जो भी पुरानी बैटरी थी उसका जो है 1000 रुपया लेस हुआ है, और 1000 रुपया लेस होने के बाद जो है ये बैटरी हम अपने को जो है 3800 में पड़ी है, यानी कि 3800 में पड़ी। उसकी जो है MRP टोटल है 4800, यानी कि 4800 रुपया, उसमें जो है पुरानी वाली बैटरी का 1000 रुपया माइनस हुआ। फिलहाल मैं हूँ अभी आर के बैटरीज में गोदरा में, बिल्कुल मुनलाइट के सामने ही अपना शॉप है, और जो ये भैया आपको देखने को मिल जाएगी आप यहाँ पे आओगे तो। जो है एक्साइड जो बहुत ही ज़्यादा फेमस ब्रांड है। तो फिलहाल ये है एमरोन की, ये 42 एम्पियर की है, ये 38 एम्पियर की है, और जो है गाड़ी में से जो निकली स्टॉक वो जो है 35 एम्पियर की है, और जो है एक्साइड और जो है एमरोन में जो है ऑलमोस्ट 400 या 500 रुपये का फ़र्क है, और जो है एम्पियर में इतना ज़्यादा कोई डिफरेंट नहीं है। तो फिलहाल जो है मुझे जो बढ़िया लगा वो मैंने किया है, तो ये वीडियो आपके लिए जो है आइडिया मिल जाएगी कि आप जो है अल्टो की बैटरी डलवाने जाओगे तो आप मतलब कितना ऑप्शन आपको मिलता है। तो फिलहाल तो ये है एमरोन और एक्साइड, इसमें दोनों में से आप कोई भी बैटरी डलवा सकते हो, आपको जो है कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एक्साइड वाली बैटरी में अपने को जो है 30 महीने की गारंटी और 25 महीने की जो है वारंटी अपने को देखने मिल जाती है। तो मैं फिलहाल अभी जो है गाड़ी में नई बैटरी डलवा कर आ गया हूँ फिर से गोधरा बाईपास में। अब मैं आपको जो है बैटरी दिखाता हूँ कि ये है अपने जो है डलवाई है वो है बैटरी एक्साइड की, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर अपने को ब्रांडिंग मिल जाती है देखने को, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर एक्साइड की हमने बैटरी डलवाई है, और जो है पुरानी बैटरी का जो है 1000 रुपया काटा गया है, और टोटल हमने पे किया है 3800 रुपया, यानी कि 3800। गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको सबसे पहले घबराना नहीं है, जो उसका जो है रास्ता निकल के कुछ ना कुछ तो आएगा ही, मतलब आपको जो है पॉजिटिव रहना है, गाड़ी के बारे में कुछ भी बुरा नहीं सोचना है। अगर मैं आज ये गाड़ी नहीं बोनेट खोल के देखता तो शायद से हमारी गाड़ी जो है जलकर राख हो जाती, क्योंकि बैटरी अगर फटती तो सारा यहाँ पर अपना कुछ जो है सारा CNG सिस्टम यहाँ पर है, तो सारा कुछ जो है जल के राख हो जाता है। गाड़ी का ये वाला कवर था जो हमको जो है पुरानी बैटरी निकाली, गाड़ी के स्टॉक आई बैटरी तो वो निकाली, तो वो कवर जो है नहीं फिट हो पाया अच्छी तरीके से, तो वो हमने निकाल दिया, उसमें कोई भी इश्यू वाली बात नहीं है। फिलहाल हमारी गाड़ी एक नंबर फिटिंग हो रखी है, आप लोग देख सकते हो बैटरी हिल भी नहीं रही है,
और जो है बात करें बिलिंग की, तो भैया ने बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनली हमको जो है इस वाले कवर में जो है पैक करके अपना बिल और जो है वारंटी कार्ड जो भी है वो हमको जो है दिया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो उनका यहाँ पर नंबर और सारा कुछ जो है एड्रेस आपको देखने मिल जाएगा। और ये जगह है अपना जो है बिल्कुल मूनलाइट के सामने, यानी कि जो है ये रॉयल इनफील्ड का शोरूम है, उसके जस्ट साइड में ही अपने ये शॉप पड़ जाती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट करो। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।